अब देखो जरा, इसके बाद अपन ने कल क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव का पहला नंबर नियम पढ़ लिया था, ठीक है। अब पहले नियम में मैंने बताया था कि सिंगुलर के साथ एस लगता है। अब दूसरा नियम यह है कि देखो बेटा, यदि किसी प्लूरल नाउन के अंत में, कौन से में प्लूरल नाउन के अंत में क्या दिया हो बेटा, एस दिया हो, तो एस का प्रयोग किया गया हो तब एस कॉमा, तो एस के बाद इधर कॉमा लगता है, एस के बाद इधर कॉमा लगेगा, ठीक है। के बाद कॉमा लगाकर अपन क्या करते हैं, कुछ का छोटा बनाते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर लिखा गर्ल्स, गर्ल्स के बाद मैंने क्या लगाया कॉमा, तो क्या हो गया गर्ल्स कॉलेज। जैसे इसी नाम दिया हुआ है बॉयज, बॉयज दिया हुआ, बॉयज के मैंने बाहर कॉमा लगाया तो क्या हो गया बॉयज हॉस्टल। अब यदि किसी नाउन में एस दी, एस का उपयोग नहीं किया गया हो, अब ऐसे कोई नाउन होती है जिसमें एस का उपयोग नहीं किया जाता, कौन सी नाउन की बात चल रही है, प्लूरल, ठीक है, नहीं किया गया हो, तो जो लिखा हुआ है कि एस तो अपोजिट ऑफ कॉमा, यानी कि लिखा हुआ अपोजिट ऑफ फिर एस लगाकर उसका बहुवचन बनाया जाता है। जैसे देखिए ये आपका प्लूरल दिया हुआ वुमेन, वुमेन के बाद मैंने क्या लगाया है एस, उससे पहले क्या लगा दिया अपोजिट ऑफ कॉमा, ठीक है, अपोजिट ऑफ कॉमा लगा दिया मैंने, अपोजिट ऑफ कॉमा लगाया उसके बाद मैंने लिख दिया कॉलेज, तो वुमेन्स कॉलेज एंड मेन्स हॉस्टल। इसके बाद अगर यदि प्राकृतिक, प्राकृतिक का उपयोग सजीव रूप में किया गया हो, यानी प्राकृतिक वस्तु जो है ना, पेड़ पौधे और नदियां वगैरह, इनका उपयोग अगर अपन सजीव रूप में करते हैं, एक इंसान के रूप में करते हैं, यानी जीते जागते रूप में करते हैं, तब हम अपोजिट ऑफ कॉमा लगाकर उसका पॉजिटिव बनाया जाता है। देखिए नेचुरल ब्यूटी, प्राकृतिक सुंदरता, हेवेंस मर्सी, ठीक है, स्वर्ग की। अब आप तो समझना कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है ना, ये केवल इंसान की तरह बताया जा रहा है। अब प्राकृतिक सुंदरता जो तो नहीं हो सकती, खत्म होना, पेड़ पौधे फरम में भी लगा जा रहे हो कि मैं पेड़ बोलो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो देखिए बेटा अब आता है समय बताने वाली संज्ञा, ये साथ भी एस लगाकर उसका क्या बनाया जाता है, प्लूरल बनाया जाता है। जैसे वन डे लीव, एक दिन की छुट्टी, टू डे लीव, दो दिन की छुट्टी। अब परिणाम वाचक, ठीक है, निर्जीव संज्ञाओं के साथ, वजन के साथ परिणाम वाचक जो होती है, जिनको अपन तौला करते हैं, तौले को बताते हैं कि जो 2 किलो है, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो, 15 किलो, टन में कुछ में भी हो, अपन उसको बताते हैं ना क्या लगेगा। देखिए 1 किलोग्राम वेट, कितना किलो वजन है इसमें, 1 किलोग्राम, इसमें लिखा है 8 टन वेट और 1 टन वेट, ठीक है। अब आगे इसके नियम और देखो, तब आप जवाब झगड़ा रूल नंबर 7। देखो मनी की इकाई यानी कि धन, धन की इकाई यानी धन की इकाई आदि के आदि, उनके बाद भी अपन क्या करते हैं, छोटा पैसा लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मैंने कहा 8 रुपीज वैल्यू, और मैंने ये भी लिखा 1 पाउंड वैल्यू, मतलब 1 रुपए की भी कीमत होती है और 1 पाउंड की भी कीमत होती है। अब आगे देखो स्पेस, बताने वाले शब्दों के साथ प्रयुक्त, प्रयुक्त नाउन के साथ अपोजिट ऑफ कॉमा लगाकर एस किया जाता है। ये भी लिख में लिखा है आर निडल्स पॉइंट, माने सुई बराबर चिन्ह, आ मैंने बोला आप बोर्ड्स लेंथ और एक नाउन बराबर लंबाई। अगर आप कोई भी जाकर क्या कर रहे हो, स्पेस, स्पेस वाला है, और उसके लिए आप क्या कर रहे हो बेटा कि जरा सा भी वो बता रहे हैं, क्या बोलते हैं उससे, जगह का चिन्ह, तो आप अपोजिट ऑफ कॉमा लगा सकते हो। सिंपल से बात है, देखो जैसे आपने कहा स्कूल में तुम लोग बैठे हुए हो, तुम लोगों ने, मैंने तुम लोगों से पूछा कि कितनी जगह है, सर एक सुई की बराबर जगह नहीं है सर, जहाज पार्क हो जाए तो बड़ी जगह है, मतलब थोड़ी सी जगह है, लेकिन उदाहरण अपन दूसरे का देते हैं ना, तो अपन छोटा कॉमा लगाकर एस लगाते, ठीक है। कंपाउंड नाउन के अंत में, कंपाउंड नाउन के अंत में शब्दों में अपन छोटा कॉमा लगाकर उसका पॉजिटिव बनाया जाता है। देखिए अब फादर फादर्स इन लॉ का मतलब होता है ससुराल, और फादर लो, फादर इन लॉ का मतलब होता है ससुर। अब जैसे आ जाएगा देखो स्टेप्स सन प्रॉब्लम, तो अपन किसी दूसरे की समस्या बता रहे हैं जो अपना को खास है, तो वो कंपाउंड नाउन में आता है। कंपाउंड नाउन और संयुक्त नाउन होता है, ये भी संयुक्त नाउन होता है। अब देखिए बेटा ये लिखा हुआ संयुक्त अधिकतर बताने वाले के लिए अंत में क्या करते हैं, अपोजिट ऑफ कॉमा लगाकर उसका प्रयोग किया जाता है, और उसको क्या बनाते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं। जैसे राम एंड श्याम्स, श्याम्स हाउस, राम और श्याम का घर।
और इसके साथ साथ अपन आगे फिर देखेंगे कल।